नमस्कार, न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे जैसे विशाल और जटिल संरचना वाले देश में बड़े बड़े सवाल न उठें ऐसा संभव नहीं है। सवाल तो लगातार उठते रहते हैं। अभी जैसे केरल में देखा गया कि काफी समय से शबरीमला में महिलाओं, खासकर जो रजस्वला महिलाएं हैं, उनके प्रवेश की पाबंदी को खत्म करने के लिए आवाजें उठती रहीं। इस मसले को लेकर न्यायालय में समय समय पर सवाल भी उठे, मामले भी गए। अंततः 28 सितंबर 2018 को एक बड़ी जीत महिलाओं की हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की आजादी है। लैंगिक समानता के हिसाब से ये एक न्यूनतम मानवाधिकार था, मैं समझता हूं, कि जिससे कि देश भर की महिलाओं को शबरीमला में कथित ट्रेडिशन और कस्टम के नाम पर वंचित रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद से ही केरल में आरएसएस, भाजपा और उनके तमाम मित्र संगठन हिंसक हंगामा मचाए हुए हैं। और इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि केंद्र सरकार और उसके जो शीर्ष नेता हैं, उनका जो रुख है, संविधान और न्यायालय के बिल्कुल प्रतिकूल नजर आ रहा है। वे कथित परंपरा, रीति रिवाज और अंधविश्वास को संविधान और सुप्रीम कोर्ट से भी, मैं समझता हूं, कि ज्यादा ऊपर मान रहे हैं। इस अंधविश्वास का क्या कहेंगे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शबरीमला मंदिर में जो भगवान अयप्पा स्थापित हैं वो बाल ब्रह्मचारी हैं और रजस्वला महिलाओं के मंदिर में जाने से उनका ब्रह्मचर्य टूट सकता है। दुनिया भर के सिर्फ पढ़े लिखे स्कॉलर और वैज्ञानिक ही नहीं, मैं समझता हूं कि जो सुसंगत किस्म के धार्मिक लोग भी हैं वो भी इस मूर्खतापूर्ण विचार पर सिर्फ हंस ही सकते हैं। ये तो भगवान का भी अपमान है। बहरहाल, चार दिनों पहले इस विवाद में एक नया पहलू जुड़ा और वो ये कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने संविधान की रक्षा की शपथ ली है, उन्होंने अभी वर्ष के पहले दिन एक मल्टीमीडिया न्यूज एजेंसी को जो इंटरव्यू दिया, मैं चाहता तो इस इंटरव्यू पर पूरी तरह इसी पर केंद्रित कर सकता था अपना आज का कार्यक्रम, लेकिन मुझे लगा कि शबरीमला पर जो उन्होंने बातें कही हैं वो उसी पर केंद्रित की जाए आज की बातचीत। उन्होंने 5 जजों की संविधान पीठ, जिसमें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल थीं, उनके अधिकृत फैसले के बजाय इंदु मल्होत्रा जी का नाम लिए बगैर उनकी अकेली राय को ज्यादा तवज्जो दी हमारे प्रधानमंत्री जी ने। जस्टिस मल्होत्रा ने संविधान के अनुच्छेद 25 की रोशनी में अपने 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश जो सहयोगी थे उनसे कुछ अलग राय दी थी। कोर्ट की प्रक्रिया में असहमति की राय रिकॉर्ड के लिए उल्लेखनीय हो सकती है, लेकिन जजमेंट और उसके क्रियान्वयन में उसका कोई स्थान नहीं होता, हम सभी जानते हैं इस बात को। पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोर्ट के फैसले के बजाय 5 जजों की बेंच में 4 की नहीं, सिर्फ 1 जज की राय को राष्ट्रीय बहस के काबिल बताया। उन्होंने इंटरव्यू में साफ शब्दों में कहा, शबरीमला में सुप्रीम कोर्ट की एक महिला जज ने जो महत्वपूर्ण राय दी है उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए, उनकी बातों पर बहस होनी चाहिए। अब मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से है कि क्या प्रधानमंत्री ने कोर्ट के आधिकारिक फैसले के लागू कराने की बात कभी की? उनकी पार्टी उसमें अड़ंगा केरल में लगाए हुए है और स्वयं अब प्रधानमंत्री जी 5 जजों की बेंच की 1 जज की माइनॉरिटी की राय, जो अकेली राय है, उसको राष्ट्रीय बहस के काबिल बता रहे हैं। अब हमारा ये कहना है कि क्या हमारे प्रधानमंत्री ने कोरेगांव प्रकरण के नाम पर आधे दर्जन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, वकीलों की हिरासत या हाउस अरेस्ट पर जस्टिस चंद्रचूड़ के माइनॉरिटी फैसले को लेकर क्या ऐसी ही राय उन्होंने बहस के काबिल कही थी? इसको क्या ऐसी राय जाहिर की थी? क्या आधार पर जस्टिस चंद्रचूड़ के अलग नजरिए पर उन्होंने राष्ट्रीय बहस चलाने का आह्वान किया था? चंद्रचूड़ साहब ने तो सिर्फ संविधान के अनुच्छेदों के तहत अपनी राय जाहिर की थी, पर प्रधानमंत्री तो कस्टम और ट्रेडिशन आधारित राय पर राष्ट्रीय बहस का आह्वान करते नजर आ रहे हैं। देश के किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा क्या कभी कोर्ट की, संविधान पीठ के सिर्फ 1 जज की अलग राय पर इतना जोर देते कभी देखा गया? अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद पर कोर्ट के किसी भावी फैसले पर अगर संघ परिवार, भाजपा आदि को ऐसी ही असहमति होगी तो संविधान की रक्षा की शपथ लेने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी तब क्या रवैया अख्तियार करेंगे? कहीं इसीलिए तो लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ
कोर्ट के फैसले के इंतजार के बजाय अध्यादेश लाकर अयोध्या में मंदिर बनाने की संघ परिवारी प्रस्ताव पर इन दिनों ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सवाल उठता है कि देश के जटिल मसलों पर संविधान के तहत काम होगा या संघी सोच के मुताबिक होगा। मंदिर मस्जिद विवाद और गाय गोबर के नाम पर देश ने अब तक असंख्य हादसे और हत्याकांड देखे हैं। समय की कमी के चलते मैं यहाँ ये सवाल नहीं उठाना चाहता कि अयोध्या की कार सेवा के दौर में गुजरात में क्या क्या हुआ। सन 2002 में वहाँ जिस तरह का कत्लेआम हुआ उसे अंजाम देने वाली हिंसक हत्यारी भीड़ को तब क्यों नहीं रोका गया था। शासन कहाँ था और क्या कर रहा था। ये सही है कि अब तक किसी कोर्ट ने उन दंगों के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के हमारे प्रधानमंत्री को कसूरवार नहीं ठहराया। पर मोदी जी, आप इतिहास में दर्ज इस दाग को कैसे मिटा सकते हैं कि आप जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे आपकी राजधानी सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में हजारों बेगुनाह मार डाले गए थे। केरल में आज आपके राजनीतिक परिवार के लोग कानून हाथ में लेकर उपद्रव कर रहे हैं। वे राज्य की लाखों महिलाओं द्वारा कासरगोड से कन्याकुमारी तक लैंगिक समानता, संवैधानिक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के पक्ष में लगाई 620 किलोमीटर लंबी दीवार एक महिलाओं की कतार की ऐतिहासिक कामयाबी से खार खाए हुए हैं, लोगों पर हमले कर रहे हैं। अच्छा संयोग है कि सूबे में इस वक्त एक समझदार, संतुलित और संवैधानिक सोच का व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, वरना कोई ठिकाना नहीं कि मंदिर मस्जिद के नाम पर समाज को सुलगाने वाली शक्तियां केरल को भी गुजरात बनाने की कोशिश करती। घटनास्थल से रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को भी हिंसक हिंदुत्ववादी मारपीट रहे हैं। अभी दो दिन पहले एक महिला पत्रकार पर हमला हुआ और उसका कैमरा छीनने की कोशिश की गई। संघ परिवार के लोग मीडिया संस्थानों को संदेश भेजकर आदेश दे रहे हैं कि वे शबरीमला में किसी तरह के कवरेज के लिए महिला पत्रकारों को डिप्यूट नहीं करें। मोदी जी, आपके बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारे पर मुझे तरस आ रहा है। बेटियां पढ़कर करेंगी क्या? आपका राजनीतिक परिवार उनके हाथ से कहीं कैमरा छीन रहा है तो कहीं किताब छीन रहा है। मोदी जी, शबरीमला को लेकर आपने एक अन्य भाषण में परंपरा और कस्टम को सम्मान देने की बात की। ऐसी बात कर रहे हैं सर? अपने देश में तो असंख्य ऐसी परंपरा और कस्टम थे कि मानवता का माथा शर्म से झुक जाए। इनमें कुछ आज तक हैं। मोदी जी, परंपरा और कस्टम दो तरह के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक कस्टम और परंपरा को हिंदी में कुरीति कहते हैं। हमारे समाज सुधारकों, विचारकों और नेताओं के प्रयास से ऐसी असंख्य कुरीतियों को हमने खत्म किया। ढोल गंवार, शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी का पारंपरिक आख्यान अब बदला जा चुका है अपने संविधान के जरिए। अभी कुछ ही समय पहले महाराष्ट्र के शनि सिंगनापुर मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले और महिलाओं के अभियान के बाद वहां भी प्रवेश संभव हो गया। वहां मंदिर में अब महिलाएं जाती हैं। वहां पर तो भाजपा की सरकार है मोदी जी, फिर वही भाजपा केरल में क्यों महिलाओं का प्रवेश नहीं चाहती सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश के बावजूद? कहीं ऐसा तो नहीं कि केरल की सियासत में दाल गलाने के लिए आपके राजनीतिक परिवार ने अंधधार्मिक, अविवेक और अंधविश्वास जगाने का एक खूंखार रास्ता चुना है? मोदी जी, ये सिर्फ एक मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मामला नहीं है, ये लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय का मसला है। मोदी जी, चलते चलते आपको याद दिला दें, कुछ दशक पहले केरल में दलित पिछड़ों का भी मंदिर में प्रवेश वर्जित था, देश के अन्य हिस्सों की तरह। पर वहां के महान समाज सुधारकों, वामपंथी प्रगतिशील संगठनों और लोगों की अगुवाई में बड़ा अभियान चलाकर उस कुरीति को खत्म कर दिया गया। आम लोगों ने कुछ मुट्ठी भर कथित कुलीन लोगों के अमानवीय व्यवहारों और दमन उत्पीड़न के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। वाम प्रगतिशील सरकारों द्वारा भी सामाजिक आर्थिक समावेश को बढ़ाने वाले ढेर सारे कदम उठाए गए। केरल मानव विकास सूचकांक में यूं ही देश का सबसे विकसित राज्य नहीं बना है मोदी जी, इसीलिए आपको चाहिए कि अपने राजनीतिक परिवार को उग्रता, हिंसा और समाज को पीछे ले जाने की उसकी ब्राह्मणवादी, पुरुषवादी, पितृसत्तात्मक सोच से उबरने की सलाह दें। आपने संविधान की रक्षा की शपथ ली है, इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने राजनीतिक परिवार को भी हिदायत दें कि अतीत के किसी अंधेरे युग को, खासकर जो अतीत का हमारा वो अंधेरा युग है जब लोगों को अधिकार नहीं थे, आप कस्टम के नाम पर
मनुस्मृति जीवी बनने से लोगों को रोकें, उन्हें संविधान जीवी बनाने की कोशिश करें, आह्वान करें कि लोग मनुस्मृति को नहीं संविधान को देखें। भारत और उसकी जनता की प्रगति का यही रास्ता है। नमस्कार।